ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हमारी चर्चा जारी है। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अमित नेहरा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत अमित जी आपका इस पूरी चर्चा में। लगातार हमारी चर्चा जारी है, यहाँ पर बात हो रही है ढींगरा आयोग का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है उसकी वजह है अलग अलग पार्टी अलग अलग तरीके से निकाल रही है। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि कुछ गड़बड़ करने की फिराक में है बीजेपी, हरियाणा सरकार इसलिए किया गया है, और बीजेपी कहीं ना कहीं कह रही है कि जो कुछ भी हो रहा है कानून के मुताबिक हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जो कार्यकाल बढ़ाया गया है इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? जो सरकार बता रही है वो बात सही है या फिर जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो सही है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, कल जो बम फोड़ा है कांग्रेस ने और बाकी पार्टियों ने कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट है और ढींगरा साहब का, तो वो एक बहुत बड़ा झटका है आयोग को, पूरे आयोग को, विश्वसनीयता को संदिग्ध बना दिया इसने पूरी। और लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि शायद कुछ और काम रहे होंगे ढींगरा साहब को सरकार से, तभी ये कार्यकाल बढ़ा है। नहीं तो पिछले 3-4 दिन से देखें उनके बयान जो आ रहे थे कि हमारी रिपोर्ट बिल्कुल तैयार है और हम 30 तारीख को सबमिट कर देंगे सरकार को, उसके बाद 6 हफ्ते का मांगना कोई न्यायोचित नहीं लगता ये कदम। और देखिए, जो दी गई है उनको हेल्प, उनका जो गोपाल चैरिटेबल ट्रस्ट है उस पर सड़क बना दी गई रातों रात कहने पे अचानक, तो बाकी चीज़ों में सरकार ने तत्परता नहीं दिखाई, कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन मार्क है इस पर। और देखिए, इसके अलावा जो आज एक और बड़ी गंभीर बात हुई, बार बार जो पार्टियां खासकर इनेलो ने ये कहा था कि इसका जो गठन है आयोग का वो संवैधानिक नहीं है क्योंकि इसको कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली थी, तो अब तक चुप रही थी बीजेपी और सरकार, लेकिन आज अचानक एक बयान आता है कि वो कैबिनेट की मंजूरी ले ली गई थी और इसमें अगस्त में कोरिगेंडम जोड़ा गया है, यानी एक संशोधन संशोधित तरीके से इसको जोड़ा गया है। तो संशोधन की जरूरत क्या पड़ी थी? देखिए, अगर ये संशोधन किया गया था तो पहले दिन से ही सरकार ने क्यों नहीं बताया ये? अच्छा, बात ठीक है। तो इस तरह की कई बातें हैं जो कहीं ना कहीं इस आयोग के गठन पे और इसकी कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह लगाती। चलिए भाटी साहब, आपने दो बात सुन ली, यहाँ पर राजनीतिक प्रवक्ता नहीं है अमित नेहरा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अलग तरह से सोचते हैं, सामान्य व्यक्ति को क्या दिखाई पड़ रहा है ये बात आपने सुन ली। दो बातें यहाँ पर ऐसी हैं जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहली बात यह है कि आखिरकार क्यों कोई मदद ली वहाँ सरकार की ओर से, इस बात पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अब तक खामोश बीजेपी क्यों थी? लगातार इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो सवाल खड़ा कर रहे थे कि संवैधानिक रूप से नहीं बना, इससे पहले आपने कोई कुछ क्यों नहीं बोला? देखिए, मैं एक बात बड़ी क्लियर बताना चाहता हूँ। नेहरा जी ने दो सवाल ये उठाए हैं। नंबर एक बात, इन्होंने कहा है कि रातों रात सड़क बन गई, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कांग्रेस को ये रातों रात ये सड़क नजर आ रही है या एक महीने से पहले इस सड़क का कुछ कोई कहीं नजर नहीं आया? आप सुनिए बिलाल जी, आप सुन लीजिए प्लीज, कि ये सड़क बनना, मैंने जैसे बताया, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो काम चल रहा है स्कूल के लिए, किसी भी, देखिए गांव की वैसे ही फिरनियां हैं वो सारी पक्की हो रही हैं, सड़क के लिए, धार्मिक किसी स्कूल के लिए, धार्मिक स्थलों के लिए, वैसे ही सड़क का निर्माण जो है सरकार की प्रायोरिटी पर है, वैसे ही जनसामान्य के लिए जो काम है आप देख लीजिए पूरे प्रदेश में कितने काम चल रहे हैं। ये इस बात को इससे कांग्रेस ने कल जोड़ा है, उससे पहले कांग्रेस कहां थी? बीजेपी खामोश होती, बीजेपी खामोश होती। देखिए, दूसरी बात सुनिए, वो कहा एक संशोधन उसमें किया गया है। देखिए, कई बार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, सारे लोग इस बात के जानकार हैं, नेहरा जी भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। एक एजेंडे में मान लिया 4 बातें होती हैं, लेकिन उस समय एक बात और आती है कि भाई ये भी आज, क्योंकि ये हमारा मीटिंग है और इसमें एक एडिशनल एजेंडा और डालना है, तो विद द परमिशन ऑफ द चेयर एक एजेंडा हुआ नहीं है उसी समय। कांग्रेस जब से कहा थी एक महीने सवाल ये खड़ा किया गया है कि बीजेपी खामोश क्यों थी, इसलिए कांग्रेस और इनेलो दोनों मिली हुई हैं, इनको कहीं कोई ग्राउंड नजर नहीं आता है, जनता ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है दोनों पार्टियों को। नजर आ रहा है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है बीजेपी, बड़ेरा परिवार खामोश क्यों थी? आज भी साफ सफाई दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि बड़ेरा की प्रॉपर्टी क्या थी जिस समय, आज से 5-10 साल पहले देख लीजिए, और आज कहाँ है वो, कितनी प्रॉपर्टी नहीं दे रहे। अवस्थी जी, एक सवाल मैं इनसे और पूछना चाहता हूँ। ये उकम सिंह भाटी जी, ये बीजेपी के प्रवक्ता, सारे लोग आप बार बार एक चीज को लेकर के टिप्पणी करते हैं क्यों हमारी पार्टी नेतृत्वहीन, नेतृत्वहीन है, हमारे नेता जेल के अंदर है। मुझे बहुत पीड़ा होती है, मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ उकम सिंह भाटी जी। आप मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सबूत किसने दिए थे?
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, ये जो हरियाणा के लोगों की गाड़ी कमाई की पैसे की बंदरबांट और लूट हो रही थी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा करवा रहे थे, रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचा रहे थे, उसके सबसे पहले एविडेंस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिए। सोनिया गांधी को लगा कि उनके दामाद को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल में जाना पड़ेगा, और उसी की सजा उन्होंने जबरदस्ती सब कुछ मैनेज करते हुए ओम प्रकाश चौटाला को जेल में डाल दिया। एक बात बता देता हूं, हरियाणा की जनता बेवकूफ नहीं है, जवाब देगी और हम लोगों को जनता से न्याय मिलेगा। चलिए नेहरा साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्या अब जब ये रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट देखने के बाद ये दौर खत्म होने वाला है, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा निकलेगा रिपोर्ट में, क्योंकि अगर सरकार की मंशा होती तो एक FIR से भी काम चल सकता था, क्योंकि पुलिस FIR होती है तो पुलिस निष्पक्ष जांच करती है, तो उसमें दोषियों की कैद तो होती होती है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का केस हमारे सामने है, CBI ने जांच की, उनको सजा हुई, और इस तरह के अन्य और से केस हैं। आप मुझे ये बताइएगा, खासकर BJP के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, कि कितने आयोगों की संस्तुति के ऊपर, रिकमेंडेशन के ऊपर कैद हुई है या सजा हुई है? क्योंकि ये आयोग का जो गठन होता है वो सीधा सीधा ये है कि मिट्टी डालना होता है बात पे। चलिए बिल्कुल जवाब लेते हैं। भाटी साहब, यहाँ पर दो बातें की गई। आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो आपने कहा था कि जमीन घोटाले के आरोपियों को, दोषियों को आप सजा दिलवाएंगे, सबसे ऊपर नंबर वन की बात थी। एक साल बीत चुका है आपकी सरकार को, लगातार दो साल बीत चुके हैं, लगातार बढ़ता जा रहा है वक्त लगातार, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उनके बारे में बार बार कहा जाता है, अब तक कोई सजा उनको नहीं हुई है। आयोग के तो जांच लगातार होती रहती है, चलती रहती है, क्या होता है आयोग का सबको पता है। देखिए, नंबर एक मैं पहली बात का जवाब देना चाहता हूँ कि सीधे तौर पर FIR हो सकती है। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, सीधे तौर पर FIR हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और FIR तो एक आम आदमी भी इस गासा डाल के वो भी ला सकता है। लेकिन सुनिए, उसकी उस FIR की का आयु कौन होगा? बहुत नीचे सतर का अधिकारी होगा, जिसको किसी भी लेवल पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खारिज करने के लिए खड़ी रहती है। मैं चर्चा को विराम देना चाहूंगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि जल्दी से उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करी? भट्टी साहब जल्दी से बोलिए, वक्त का मैं जल्दी से जवाब लेते हैं। साफ तौर पर संगीत चौंग को दोषी पाया, कार्रवाई हुई क्या? कार्रवाई हुई। दूसरी बात, उन्होंने एक सवाल उठाया है कि क्या कभी कोई किसी की कार्रवाई हुई? बिल्कुल होती है। कोई भी आयोग जो रिपोर्ट देता है, सरकार उस आयोग की रिकमेंडेशंस को बिल्कुल उसको लेता है, प्रायोरिटी पर लेता है, और भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है 100% इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। 8 हफ्ते की बात है, 8 हफ्ते बाद रिपोर्ट आ जाएगी, देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है, रिपोर्ट में क्या लिखा होता है। इस पूरी चर्चा में जुड़ने के तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नेहरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भाटी साहब आपका शुक्रिया, गोले साहब आपका शुक्रिया, बिलाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। मैं चुनाव न्यूज पर लगातार खबरों का सफर जारी है।